नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रिक रन में। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2022 का। जी हाँ, वर्ल्ड कप का सफर तो थम गया है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो आज तक हमारे मन में नहीं थम रही हैं। तो हमारे साथ है सोम दुबे जी, जो आज बताएंगे कि इंडिया आखिर वर्ल्ड कप क्यों हारा, वो कौन कौन से वीक पॉइंट्स थे जिसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी, और क्या बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है हमारे फर्दर मैचेस के लिए। हम जानते हैं सोम जी से। तो सोम जी बताएं, ऐसा क्या हुआ वर्ल्ड कप में जिस कारण इंडिया, जो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे था, उसने अपने मैचेस को लूज करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलम भाई। बेहतर पोजीशन पे पहुंचने का कारण ना तो इनकी बैटिंग बहुत बढ़िया थी और बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी कह सकते हैं लग इनका बढ़िया था, किस्मत अच्छी थी तो पहुंच गए थे उस पोजीशन तक। बाकी उस लायक इनका कोई भी प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं था कि वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, पहुंच गए थे। पहली बात तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही हमारे जो लीडर है बॉलिंग के लीडर बुमराह, वो छोटी हो गए थे, इसके चलते बॉलिंग लाइन में वैसे भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था और लग भी रहा था। उसके बाद बैटिंग लाइन की बात करें हम तो हमारे पास विराट कोहली थे। विराट कोहली इन दफा हम बढ़िया खेले हैं, सूर्य कुमार यादव बढ़िया खेले हैं, लेकिन आप किसी दो खिलाड़ी के ऊपर नहीं जीत सकते फाइनल में। ये चैंपियन ट्रॉफी है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, आप दो खिलाड़ी के ऊपर पूरा मैच खेलेंगे। उसके बाद बात करें फिर रोहित शर्मा की, उन्होंने भी कोई बहुत बेहतरीन पारी नहीं खेली। एक पारी में हालांकि 50 रन बनाए, लेकिन वो भी वैसे लग नहीं रहा था कि T20 खेल रहे हैं, लग रहा था कि टेस्ट मैच खेलने गए हैं, एकदम डिफेंडिंग के ऊपर खेल रहे थे। लोकेश राहुल की बात करें, लगातार आईपीएल में बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद वो भी थोड़ा डिफेंडिंग ओवर खेल रहे थे, पता नहीं क्या था। बाकी बैटिंग लाइनअप में इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया बैटिंग लाइनअप किसी भी टीम का लग नहीं रहा था। ओपनिंग करने आ रहे थे रोहित शर्मा, आ रहे थे राहुल यादव, उसके बाद डिफेंडिंग के रूप में भी उसकी बात फास्ट भी कर सकते थे विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव थे, जब्बल थे, मतलब अच्छा बाइक बैटिंग लाइन था, लेकिन थोड़ा सा इन फॉर्म कोई बैट्समैन दिखा नहीं वहाँ पे विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को छोड़ के। जी हाँ दोनों, जैसा कि आपने बताया कि क्रिकेट एक टीम वर्क है, और अगर हमको क्रिकेट को जीतना है, अगर मैचेस कंटिन्यूअसली जीतना है, और जब बात हो बड़े मुकाबलों की, तो करना होगा हमें टीम वर्क। तो शुभम जी, जैसा हम देख रहे हैं, पिछली बार हमने वर्ल्ड कप में देखा, हमने जिस तरीके से 10 विकेटों से हमने पाकिस्तान से हारा था, और इस बार हमने उसी तरीके से इंग्लैंड से इतने बड़े मैच को गंवा दिया। तो इन बड़े मैचेस में जो इंडिया कंटिन्यूअसली अपने मैचेस को लूज कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब हम मान सकते हैं कि हमारे पास बुमराह नहीं थे, मे बी कुछ किसी कंडीशन अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी 10 विकेट से हारना, ये थोड़ी सी ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थोड़ी सी पिच भी वैसे ही थी वहाँ की, क्योंकि पिच पे पहले बैटिंग करना उतना आसान नहीं था। जैसे जैसे बैटिंग होती गई, पिच थोड़ी स्लो होती गई, गेंद बैट पे आने लगी, उसके बाद आपने देखा ही इंग्लैंड बल्लेबाजों ने क्या किया। उसके बाद बटलर की बात करें, वो भी इन द फॉर्म थे, पिछले मैच में एक रन बना के आए थे वो। उसके बाद एलेक्स जेंस की बात करें, बढ़िया बैट्समैन है, उन्होंने पिछले मैच में भी कुछ रन बनाया था। बाकी अपने पारी की बात करें तो हार्दिक पांड्या बाद में खेले, थोड़ा लेट खेले, और उसके बाद विराट कोहली थोड़ा सा रुक के खेले, जैसे जैसे कुछ धीमी होती चली गई उसके बाद खेले, उसके बाद बैट पे बॉल आ रही थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी लास्ट में अच्छा खेले थे। उसके पहले विराट कोहली की बात करें, वो भी अच्छा खेले थे, सूर्य कुमार यादव आए, वो भी जो भी खेले जितनी देर खेले बढ़िया ही खेले, तो बस यही था थोड़ा। चाहेंगे कि हमारी जो बॉलिंग लाइनअप था, जैसे कि हम पिछले बायलैटरल सीरीज में देख रहे थे कि 1900 ओवर बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा था इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए, तो इस बार जो बॉलिंग में इंप्रूवमेंट हम चाह रहे थे करना, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप में हम कितना भी कमी निकाल ले बैटिंग का, लेकिन फिर भी 10 विकेट से हारना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बड़ी चूक है इंडियन बॉलिंग में। तो उसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, मतलब आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म है, आईपीएल का प्लेटफॉर्म इसीलिए होता है कि हम अपने बॉलर्स को या फिर बैटर्स को चूज करते हैं, वहाँ से ढूंढते हैं हम कौन सा बॉलर बढ़िया कर रहा है, कौन सा बैटर बढ़िया कर रहा है। तो आपने वहाँ से निकाला, तो आपने प्लेइंग इलेवन जो भी खिलाया आपने, लेकिन आपके 15 सदस्य जो टीम थी उसमें आपने कई बॉलर्स रखा था, हर्षल पटेल हो गए, उसके बाद उमरान मलिक को भी काफी मैचों में मौका दिया गया, आपने उनको वहाँ नहीं जान दिया, क्योंकि वहाँ पीछे जो है वो फास्ट है ऑस्ट्रेलिया की, और उमरान मलिक को हमने देखा भी है कि एवरेज स्पीड 148 के आसपास है, तो आपने उनको भी मौका नहीं दिया। बार बार उसी खिलाड़ी को खिलाया जा रहा है, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, फिर भी खिलाया जा रहे हैं, मानते हैं अनुभव है उन सबके पास, लेकिन फिर भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए दूसरे खिलाड़ी के पास जाना चाहिए, कितने दिन खेलेंगे लोग, आप एक खिलाड़ी के भरोसे नहीं चल सकते। जी हाँ सोम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कुछ मेजर रीजंस को आपने पॉइंट आउट किया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास सुनने के लिए। जरूर सबसे सब्सक्राइब करिए क्रिकरण को, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और फास्टेस्ट लाइव रन अपडेट के लिए विजिट करिए
cricrun.com. Thank you so much.